ये क्रीम देख रहे हैं आज आप, ये आपकी स्किन पे है ना जादू करने वाली है। नहीं, पहले आप मुझे एक बात बताएं कि आखिर आप अपनी स्किन पे करना क्या चाहते हैं? आप अपनी स्किन पे गोरापन चाहते हैं, दाग धब्बों को हटाना चाहते हैं, या फिर फाइन लाइन रिंकल झुर्रियों को जो एजिंग साइन होते हैं उनको हटाना चाहते हैं, या फिर अपनी लूज स्किन को टाइट करना चाहते हैं, या फिर अपने अंडर आई सर्कल को रिमूव करना चाहते हैं? आखिर चाहते क्या हैं? मुझे तो ये पता है जो मैं दिन भर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आप ये सभी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप ऐसा कोई सोल्यूशन चाहते हैं कि सिर्फ एक चीज आपकी सारी फेस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दे और उसके साथ साथ आपकी स्किन सपल स्मूथ बिल्कुल ग्लास स्किन मिल जाए। तो लेके आई हूँ ना मैं आज आप लोगों के लिए एक जादू होममेड क्रीम है। ओनली 3 या 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बना सकते हैं जो आपको अपने किचन में मिलेंगे। बजट फ्रेंडली है, एक भी रुपया आपका लगने वाला नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें आपकी किचन में हैं। मुझे पता है हर किसी की किचन में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी मैं क्रीम की, आप खुद ट्राई कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा। तो फिर चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले ये जो ग्लो देख रहे हैं ना, 10 दिन की क्रीम लगाने के बाद मुझे ये मिला है। जी हाँ, तो या वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। पहली बात तो आप इसको दिन में नहीं लगा सकते, ये सिर्फ नाइट क्रीम है, सोने से पहले आप इसको लगा सकते हैं। दूसरी बात, आप इसको रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं 15 दिन के लिए। ओके, अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रख रहे हैं तो आपकी ये क्रीम 1 मंथ भी निकाल देगी, लेकिन सिर्फ रात में इसको अप्लाई करना है। कितना अप्लाई करना है, ये सिर्फ इतनी सी क्रीम लेनी है आपको थोड़ी सी, और एक बार और सिर्फ अंडर आई सर्कल के लिए। ओके, और फिर जैसे हम एक फेशियल मसाज करते हैं ना, एक फेशियल थेरेपी होती है, सर्कुलर मोशन में आपको इस तरह से मसाज करनी है। अपने अंडर आई सर्कल पे आपको अच्छा सा ध्यान देना है, इस तरह से आपको जो है फोन आ रहा है, तो इस तरह से आपको सर्कुलर मोशन में ना इस तरह से आपको मसाज करनी है। ओके, मसाज करने के बाद, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना एकदम नेचुरल है यार सच में, और जैसे ही आप लगाएंगे ओनली 5 मिनट के अंदर ये आपकी स्किन के अंदर तक चली जाएगी, आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कोई क्रीम लगाई है सच में। और ये देख रहे हैं आप, देख एक बार के यूज मतलब लगाते ही, अगर आप इसको रेगुलर लगाएंगे ना या फिर तो क्या कहने, आपकी स्किन इतनी चमक उठेगी कि दूसरा पर्सन पूछेगा यार मुझे भी बता दे भाई, मैं तो जितनी भी मेरी नाइट क्रीम है, जितना भी मैं नाइट में केयर करके सोती हूँ ना, मैं सब कुछ छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि ये अकेली ऐसी क्रीम है जो आपका सीरम का काम करेगी, क्रीम का काम करेगी, लोशन का काम करेगी, टोनर का तो नहीं करेगी, टोनर आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं कि इसको बनाना है। तो आपको यहाँ पे चाहिए होंगे जो हर घर में आज के टाइम पे अवेलेबल होते हैं, बादाम। मैंने इनको रात भर भिगो के छोड़ दिया ना, बादाम आपकी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, हेयर के लिए, सब के लिए अच्छा होता है। अगर आप खाते हैं, स्किन पे लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम इनके छिलके उतारने वाले हैं। मैंने इनके छिलके उतार के इनको जार में डाल दिया है ताकि इनका एक महीन पेस्ट हम बना सकें। फिर आपको सिंपल पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गुलाब जल डाल रही हूँ। 5 से 6 चम्मच मैं यहाँ पर गुलाब जल की डालूंगी। अगर आप पानी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन फ़िल्टर वाला पानी ही आपको यूज करना है, दूसरा पानी आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ओके, तो मैंने ये 5 से 6 चम्मच यहाँ पे ली है मैंने, और अब हम इनका बनाने वाले हैं पेस्ट। अच्छे से पेस्ट बन के तैयार हो गया है हमारा, और फिर हम यहाँ पे इसको छन्नी से छान लेंगे। हमें ये पेस्ट नहीं चाहिए, इसका पानी चाहिए, बादाम का जो पानी होता है वो चाहिए। यहाँ पर मैंने लगभग 1/2 चम्मच बादाम का जो जूस है वो लिया है, जो शेक बोलते हैं। फिर आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल की डालनी है। ओके, इतनी ही क्वांटिटी में आपको लेना है। अगर आप 1 चम्मच बादाम के जूस की ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालना पड़ेगा। फिर आपको एसेंशियल ऑयल यूज करना है, जो भी आपके पास एसेंशियल ऑयल है आप वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टी ट्री का यूज कर रही हूँ। आपको 5 से 6 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल की डालनी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। डाल के बिल्कुल अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। जैसे आप मिक्स करेंगे ना इसको, ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि एक मार्केट की क्रीम होती है सेम वैसा ही ये बन जाएगा। अच्छे से घुमाना है आपको लगभग 4 से 5 मिनट, तब जाके आपको ये क्रीम फॉर्म है। ये देखिए हमारी क्रीम बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल मार्केट वाली जैसी क्रीम है तो वैसे ही, लेकिन इसका जो इफेक्ट होगा वो मार्केट वाली क्रीम से कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। क्रीम बन गई है, आपको एक कंटेनर तैयार करना है। आप प्लास्टिक का ले सकते हैं, कांच का ले सकते हैं,
या फिर किसी भी मटेरियल का आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको क्रीम डालनी है, क्रीम डाल के ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल मार्केट वाली, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। ये ऑयली स्किन वालों के लिए है, ठीक है। अब जिन लोगों की सुपर डुपर ड्राई स्किन है, मैं ये क्रीम सर्दियों के लिए बता रही हूँ, ऐसे आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल नहीं है, आप आलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं, ओलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, और विटामिन ई कैप्सूल भी आप यूज कर सकते हैं ड्राई स्किन वाले। क्या बोला था है ना, इसको बनाना कितना आसान। प्लीज प्लीज आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। आपका जो भी फीडबैक है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे हमेशा वेट होता है जितनी मैं रेमेडी लेके आती हूँ, प्रोडक्ट लेके आती हूँ, कोई उनको यूज करे और उसका जो फीडबैक है मुझे मिलता रहे, ताकि आगे भी मैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी अच्छी होममेड क्रीम, अच्छे अच्छे DIY, अच्छे अच्छे रेमेडी आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, लाइक देने में आपका कुछ नहीं जाता है ना, और शेयर करने में भी नहीं जाता है, और रेड बटन को ग्रे करने में कुछ नहीं जाता है, तो प्लीज़ याद कर दीजिए ना जल्दी सी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो या आप समझ चुके हैं क्या करना है। मैं मिलती हूँ आपको एक और प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।